और एक चीज और यहाँ पे ये है कि अगर गर्भवती महिला आ रही है तो ध्यान रखना कि माँ के सामने से नहीं जाना है, साइड से गेट बना है वहां से जाना है, नहीं तो आपका गर्भ मतलब खराब हो जाएगा, बच्चा खराब हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। राम राम भाई सभी को, बनारसी अगस्त के बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं भीम चंडी माता के दर्शन कराऊंगा, जो कि आप पचकोस करने जो वीडियो बनाया था, जो शिवरात्रि की रात पचकोस करने निकलते हैं, लाखों की भीड़ जाती है, तो उसमें दूसरा पड़ाव पड़ता है भीम चंडी देवी, जो भीम चंडी माँ है। थोड़ा सा वीडियो में आपने देखा भी होगा कि वो मैंने गुरु जी से जानकारी ली कि वो स्वयं प्रकट हुई है। मैंने सब बोला कि वो वीडियो मैं फिर से बनाऊँगी, वहाँ की इतिहास बहुत लंबा है, वहाँ का अगर वीडियो लेने लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो आज उसी सिलसिले में हम लोग निकले हैं, तो आज चल के भीम चंडी देवी का दर्शन करेंगे, वहाँ से पूरी जानकारी लेंगे, माँ कैसे प्रकट हुई इसके बारे में भी जानेंगे, और उनका भी मैंने कुछ सुना है जैसे कि वो कुंवारी माँ हैं, तो अभी तक कुंवारी ही हैं, तो उनका कुछ अलग इतिहास रहा है, अलग ही स्टोरी रही है, वो सच्ची स्टोरी है, वो जाना जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं, कितना दूर है भीमचंडी यहाँ से, समझ ली भीमचंडी पहुँच गए, 500 मीटर भीमचंडी पीछे जो बोर्ड लगा है, ऑलमोस्ट पहुँच चुके, चलते हैं फिर आगे, आगे चल के आपको दर्शन कराते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए भाई दर्शन करिए, आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले हनुमान जी का ही मंदिर मिलेगा, उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। जय बजरंग बली। ये बजरंग बली की मूर्ति देखिए, बताइए इसमें क्या खास लग रहा है आपको, कमेंट करके बताइएगा। ये शिवलिंग है गुरु जी, आप ही बता दीजिए। मैं जो है जाता हूँ भाई, बजरंग बली का ही मूर्ति है, ऐसा मूर्ति है हनुमान जी का रूप, हाँ। आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। सही बात है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं, हमने भी देखा है हनुमान जी, मुखी हनुमान जी मिलेंगे, सतमुखी देखे हैं, ऐसा रूप ऐसा मूर्ति कहीं नहीं देखा है। जो ये मंदिर से बाहर में निकलेंगे, जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा धर्मशाला है, यहाँ पर रुक सकते हैं यात्रियों के ठहरने के लिए, और माना जाता है कि यहाँ पे 6-7 धर्मशालाएं हैं, 10 धर्मशालाएं हैं, और बहुत सुरक्षित धर्मशाला है, तो मतलब सेफ्टी का पूरा इधर ध्यान है उसके चलते। और इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह आपको बहुत सारे दिखेंगे धर्मशाला, और जैसे आगे बढ़ेंगे तो रास्ता तालाब की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आए महादेव का दर्शन करेंगे, भीमचंडी बगल में, भीमचंडी 10 कदम की दूरी पर। तो पहले लोग जैसे यहाँ सेकंड पड़ाव पे आते हैं, ये महादेव का जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे आके दर्शन करते हैं, चावल वावल फेंकते हैं, फिर इसके बाद ये तालाब है, बस हम लोग मंदिर पहुँच गए। ये जो देख रहे हैं ब्लॉक्स देख रहे हैं, इधर जो ब्लॉक देख रहे हैं, ये सब जो सारे धर्मशाला हैं, ताकि रहने ठहरने के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात ये है धर्मशाला की, यह निःशुल्क है, आप जाइए रहिए आराम से, जितना दिन रहना है कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। बगल के भीम चंडी देवी पचकोस का जो परिक्रमा करने आप निकलेंगे तो दूसरा पड़ाव पड़ता है भीम चंडी, आपने जो पचकोस की वीडियो देखी होगी यही मार्ग देखिए निकल जाता है, पचकोसी परिक्रमा मार्ग का द्वितीय पड़ाव भीम चंडी दूसरा पड़ाव है। और ये मंदिर है, इस मंदिर के बारे में अंदर चल के आपको जानेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं चलूँगा जब भी हो पाएगा समय निकाल के, मैं जाऊँगा इस मंदिर का वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं जब आया था पचकोस में तो मैं गुरु जी से मिला था, समय ज़्यादा समय नहीं था, कुछ समय ही बात हो पाई, लेकिन उससे इतना जाना था कि बहुत ही जागता मंदिर है, स्वयं प्रकट मंदिर है, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, कहानियाँ मीन्स की, चलिए अंदर चल के बताएंगे। तो ये एंट्रेंस गेट है, अंदर चलेंगे, हाँ हमको एंट्री करते ही देखिए एक मंदिर जगह भोलेनाथ का मंदिर दिख जाएगा, इधर भी मंदिर है, और इधर चलेंगे सामने गुरु जी हैं, गुरु जी से हम लोग लास्ट टाइम प्रणाम गुरु जी लास्ट टाइम मिले थे, अंदर चल सकते हैं, तो अंदर चल के माता के पहले दर्शन कराएंगे। अब इससे अच्छा क्या शुरुआत हो सकता है, देखकर सुबह सुबह ही दर्शन हो गया, सुबह सुबह ही टीका लग गया, हमारे साथ गुरु जी हैं, गुरु जी से थोड़ा जानेंगे, तो गुरु जी से प्रणाम करते हैं आपको। गुरु जी थोड़ा माँ के बारे में बताएंगे, माँ से उनके बारे में बहुत मैंने जाना है कि स्वयं प्रकट हुई हैं, उनके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे चमत्कारी मंदिर, जैसे कि लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी चीज़ मांगे वो पूरा होता है, किसी को अगर पेट में बच्चे, मतलब बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे भी उनके हो जाते हैं, ऐसा कुछ है, तो ये सब सच है, सच है, सारी बातें सच है। थोड़ा बताएंगे मंदिर के बारे में, जी जी, इनका नाम है भीमचंडी, भीमचंडी मैम, सतयुग से, हाँ। मतलब सतयुग बोले तो भगवान के समय, भगवान राम के समय, राम के समय का यही है, हुई है। इनका जन्म अनुमान आकार नहीं बता सकते हैं, कई हजारों साल पहले मतलब सतयुग की बातें फिर छोड़ दी तो कई हजार साल पहले
है हमारा इन्हीं के नाम पर है। अच्छा, माँ के नाम पे ही गांव भी है। उसमें यहाँ पर पूरा जंगल था, राक्षसों का उत्पात था, आदमी या पंडित सुरक्षित नहीं थे। हाँ, सुरक्षित नहीं थे राक्षसों के। माँ पर यहाँ पर प्रकट हुई, स्वयं प्रकट हुई सर्वनाश करने के लिए। वो था राक्षस का नाम था जो हमारे पूर्वज लोग बताए। जी जी, भीमासुर नाम था उसका। अच्छा, भीमासुर। बहुत ही आतंक मचाया हुआ था, तो उसको मिटाने के लिए माँ स्वयं प्रकट हुई। तो उसका सर्वनाश करके माँ मतलब यही रह गई। फिर यही रह गई, दर्शन करने पर प्रतिमा कर रहे थे। जी जी, उनका पांव जम गया। अच्छा, पूर्वज आपके जो थे परिक्रमा करते थे, उनका पांव मतलब वहीं जम गया। जम गया। बहुत परेशान हुए, क्यों नहीं हमारा कैसे हमारा परिक्रमा पूरा होगा। तो माँ ने उनको दर्शन दिया। अच्छा, कि आप यही कर रह जाओ, हमारी सेवा पूजा पाठ करने वाला कोई कोई नहीं है, सेवा कर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज इन्हीं का बात मान के यही रुक गए, यही पर रुक गए। आज भी माँ हमारी है, अगर जिनके पास श्रद्धा है, शक्ति है, तो आज भी हमारी माँ तीन रूप बदलती है। ये बात हम आप लास्ट टाइम बताए थे, हम ये कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसको आप थोड़ा बताइए डिटेल में कि लोग जाने। हमारी माँ तीन रूप आज भी बदलती है, अगर आपके आंख में वो शक्ति है, वो भक्ति है, तो आप देख पाएंगे, रखा नहीं देख पाएंगे। दिन भर में तीन रूप बदलती है खुद से, 24 घंटे में। कोई दर्शन में आप देखेंगे बाल्यावस्था है इनका, 4 बजे भोर से, भोर में आप देखेंगे आप जी, इनका इसमें बाल्यावस्था है इनका जी। आज दोपहर 12 बजे के बाद एकदम काली रूप में आपको दिखाई देंगे, स्वयं स्वयं काली रूप में, एकदम विकराल गुस्से वाली रूप जो होती है। हाँ हाँ हाँ, वो रूप मिलेगी। आज शाम को एकदम वृद्धावस्था मंगला गौरी के रूप में। तो स्वयं बहुत, ये बात आपने लास्ट टाइम बताई थी तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, लेकिन ये बहुत ही चमत्कार वाली बात है कि स्वयं तीन रूप बदल रही हैं। आप लोगों ने दर्शन किया है साक्षात, लेकिन वो भाव होना चाहिए देखने का। अगर बहुत नसीब से वो दर्शन होता है, वो दर्शन ही बहुत नसीब से होता है अगर वो हो पाए तो, लेकिन इसमें तो मुझको मुश्किल लगता है ना। इनका बहुत चमत्कार है। ये भी सुने गुरु जी कि जब विंध्याचल मंदिर, विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी देवी जब वो प्रकट हुई तो ये भी साथ में प्रकट हुई, ये भी सच बात है। तो इस उनका भी कोई कहानी रहा होगा इसके पीछे, जैसे साथ में राक्षसों को मिटाने के लिए प्रकट हुई होंगी। वहाँ भी कोई राक्षस रहा होगा विंध्य पर्वत पर। जी जी, वहीं पर विंध्याचल के साथ में माँ से भुजा है। हाँ हाँ हाँ, माता ताराचंडी की भी मंदिर है वहीं पर, सब देवियाँ हैं। उनके बगल में देख लीजिए आपके नौ मुखी काली है, ये काली माँ है। हाँ। नौ मुखी है, 10 मुखी, ये देखिए बहुत कम देखने को दिखता है दोस्तों, ये 10 मुखी काली देवी जी है, इनके 10 मुख हैं, और ये शायद माँ का ही रूप है। अच्छा गुरु जी, बताइए विशेष तौर पे किस दिन भीड़ होती है मंदिर में? जैसे नवरात्र हो गया, नवरात्र में, नवरात्र आ रहा है, लगातार है, तो उसके बाद 3 साल पर पंचकोश लगता है, अधिक मास, अधिक सप्तम मास भी कहते हैं। हाँ हाँ, जो राम जी की था बताया। हाँ, उसमें एक महीने के लिए चलता है, ऐसा एक महीने तक भीड़ रहता है वो। और बाकी हर साल तो ये पंचकोश परिक्रमा जो शिवरात्रि वाली होती है वो तो भीड़ रहती होगी। और माँ को विशेष तौर पर ये अड़हुल का फूल चढ़ता है। अच्छा, ये मतलब फूल तो विशेष तौर पर यही अड़हुल का ही चलता है। अब तो ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि मंदिर कितना पुराना है, हालांकि ये तो आप लोग ने बनवाया है, लेकिन माँ यहाँ स्वयं जब प्रकट रही होंगी तो बस मतलब ये जंगल उंगल समय रहा होगा, खाली बस स्वयं ही प्रकट होगी, बाद में धीरे धीरे ही बना मंदिर। तो एक बार आप सभी दर्शन कर लीजिए, और एक बार जरूर आइए भीमचंडी देवी, जो पंचकोश का जो होता है, पंचकोश का दूसरा पड़ाव है। सबसे मतलब अच्छी बात क्या है ना, अच्छी बात क्या है मतलब से आपका एक जो भाव होना चाहिए ना, जो भाव से अगर मांगेंगे ना तो यहाँ पूरा हो जाता है, ये यहाँ की मान्यता है। और कभी भी और आपका भाव अगर होगा तो ज़रूर पूरा होगा। और ये कुंवारी माँ भी है, थोड़ा आपने जैसे बताया था कि ये कुंवारी माँ है। माँ को हलवा पूरी बताता, नारियल चुनरी चढ़ता है, सुहाग का सब सामान चढ़ेगा। अच्छा, सुहाग का सारा सामान चढ़ेगा, सिंदूर
सिंदूर नहीं चढ़ेगा। असली इनका पूजा आप कच्चा दूध पेड़ा नारियल चुनरी माला। तो मतलब जब प्रकट हुई तब से इनको आ रही है। हाँ। तो ये तो मतलब पूर्वज आपके बताए होंगे इसके बारे में, कुछ कभी कहानी रहा होगा जिससे पता चलेगी कुआरी है वो शादी नहीं की तब से यहीं रह गई। और जैसे कि आप ही बता रहे थे कि जैसे कि किसी के पेट में अगर बच्चा है इनके सामने से अगर चला गया तो गर्भ नष्ट हो जाएगा, गर्भ नष्ट हो जाएगा। उनके लिए बगल से दरवाजा बना है छोटा सा। अच्छा ये वाला। तो ये देखिए अगर मान लीजिए गर्भवती कोई है दर्शन करना चाह रहे हैं तो ये अभी मेन गेट से नहीं आएंगे, ये जो मेन गेट है यहाँ से नहीं आएंगे, इधर ही बगल से रास्ता है, इधर ही से साइड से आप खोल के ये गेट है इसके अंदर से साइड से दर्शन कर सकेंगे, लेकिन अंदर नहीं आना है, साइड से दर्शन करना है क्योंकि जहाँ माँ का नजर पड़ेगा वो गर्भ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी है इनके चमत्कार से बहुत लोग को बच्चे हुए हैं, बस वही है कि भाव होना चाहिए मांगने का। अब ये कहा गया है कि माँ कुवारी है, इसका कारण बस यही है कि कारण कुवारी है उनके सामने। हाँ बाहर निकलेंगे और जैसे डेली देखने वाले डेली जो यहाँ के लोग डेली आते हैं दर्शन करते हैं और ये परिक्रमा थोड़ा कर लें। आमतौर पे यहाँ पे भीड़ होती है नवरात्र में या पचकोस में तो इतनी भीड़ होती है, लाखों लोगों की संख्या होती है, इतनी भीड़ होती है। और बाकी आम दिन जैसे लोग दर्शनार्थी आ गए कहीं से, टूरिस्ट आ गए तो भीड़ होती है, लेकिन बस यही है ना कि मंदिर बहुत जागता है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लोग जाने इस मंदिर के बारे में कि कितना हज़ारों साल पुराना है, राम जी के समय का ये मंदिर है। और बाहर जब निकलेंगे तो यहाँ पर आपको हनुमान जी भी दिखेंगे, हनुमान जी के साथ गणेश जी भी दिखेंगे इधर। और ये जो माँ है उनकी सवारी है ठीक सामने है, जैसे आप देखेंगे भोलेनाथ के सामने नंदी जी बैठे रहते हैं उसी तरह भीमचंडी माँ के सामने ये माँ की सवारी बैठी है। क्या नाम पड़ेगा? अच्छा क्या नाम बताइए? अच्छा सिंह वाहन। अच्छा अच्छा। और ये अच्छा एक वीडियो के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार के द्वारा इस पर कुछ किया नहीं जा रहा है। ये देखिए सब टूटा फूटा है मंदिर, इसको थोड़ा भव्य तरीके से बनाना चाहिए, जैसे कि आप जाके देखिए और भी मंदिर में जाके देखेंगे जो स्वयं प्रकट मंदिर है। और जो मेन सिटी में वहाँ तो काम हो जा रहा है, बन जा रहा है, लेकिन ये मेन सिटी में थोड़ा आउटर में आ जाता है। हाँ पचकोसी का दूसरा स्थान है, अभी मेन सिटी में नहीं इसलिए इतना प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। बस मैं अगर कोई वीडियो के माध्यम से कोई अगर मदद करना चाहे तो ज़रूर आए यहाँ पर, क्योंकि ये जगह बहुत है यहाँ पे। पचकोस के टाइम देखेंगे बहुत भीड़ होती है यहाँ। तो हम लोग का मानना ये है कि जैसे कि ये बन जाए ना कोई, अगर सरकार के द्वारा मदद मिल जाए तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे खुद ही माँ का प्रसाद वसाद खाना वाना भोग लगा जैसे अदलपुरा में जैसे काम होता है वैसे यहाँ आप चढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा ही लाभदायक रहेगा। और यहाँ चलेंगे गुरु जी, ये मंदिर बताएंगे यहाँ पे थोड़ा। काशी खंड के चंडी विनायक भगवान महादेव, ये ऐसा ही कलर है महादेव का, ऐसा ही कलर आपको बाबा विश्वनाथ का मिलेगा। नहीं ये जो दो कलर है ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। आमतौर पर शिवलिंग एक कलर में देखा जाता है ज्यादातर, एक कलर का ही रहता है, कोई भी कलर एक कलर है, दो कलर में है। छप्पन गणेश है, छप्पन गणेश में गणेश जी भी आते हैं। हाँ तो मैं गणेश जी का सोच रहा था सीरीज बनाने की, छप्पन गणेश जो है गणेश जी ये भी आते हैं जो आपका भीमचंडी मंदिर में ही है। और पहला आपका शायद जहाँ तक कि दशाश्वमेध घाट पे है, दूसरा उधर ये क्या बोलता सी साइड कहीं है, और जो मैं दिखाया था वीडियो में जो दुर्ग विनायक था वो 11वें गणेश जी हैं छप्पन गणेश जी में से। ये है नारद जी है, नारद जी। हाँ ये नारद जी की प्रतिमा देखिए, पंचमुखी भोलेनाथ, ऊपर माँ गंगा है। ये सब आपको जो ये जो देख रहे हैं बहुत दुर्लभ दर्शन है, बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं तो बस बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं, अंदर कम लोग जाते हैं। ये भोलेनाथ का मंदिर है। ये थी
कि भीमचंडी माता मंदिर जो हम लोग आए थे पचकोस करने, हालांकि मैं आया नहीं था, मैं आया था बस वीडियो बनाने। हालांकि मेरा पचकोस माँ की कृपा से हो गया, सबकी कृपा से, बाबा की कृपा से हो गया। तो मैं आया था, गुरुजी साथ में थे उस दिन, तो गुरुजी ने मंदिर के बारे में मेरे को इतना कुछ बताया ना, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आऊँगा दोबारा, क्योंकि इस पर एक अलग वीडियो बनता है और इसके बारे में मुझे को दिखाना इसलिए भी था क्योंकि जैसे कि स्वयं प्रकट माँ है, स्वयं प्रकट भगवान है, बहुत सारे भगवान बनारस में है। बनारस में भाई मंदिरों के लिए जाना ही जाता है, लेकिन जो शहर में है ना वो मंदिर बहुत अच्छा बन गया है। तो यहाँ पे ये है कि इतने लोग आ नहीं पाते हैं, भीड़ आती है सिर्फ पचकोस में आती है। लेकिन यहाँ से अगर कोई वीडियो देख रहा है मेरा, अगर सरकार तक पहुँच पा रहा, सरकार मेरा गुजारिश है कि यहाँ आके थोड़ा मंदिर में पीछे देख सकते हैं बहुत जगह खाली है, इसको थोड़ा अगर निर्माण करा देंगे बन बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अदलपुरा का मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ लोग क्या करते हैं खुद अपना भाई मन्नत पूरा होता है तो भोग वोग बनाते हैं, खाना बनाते हैं, फिर माँ को चढ़ाते हैं प्रसाद। तो यहाँ भी वो चीज़ें हो जाएंगी, बस ये कि यहाँ सही से बना नहीं, जगह नहीं है, इन लोग अपने तरफ से प्रयास करा रहे हैं लेकिन यहाँ इतना कोई फंड नहीं आ पाता है, तो ये चीज़ मुमकिन नहीं। अगर आप वीडियो के माध्यम से अगर कुछ मदद कर सकते हैं, ऐसा कोई इंटरेस्टेड ज़रूर करिए, क्योंकि ये स्वयं प्रकट माँ है। स्वयं प्रकट आप देखिए बनारस में बहुत सारे हैं, जो शहर में वो तो भाई बना हुआ है और यहाँ पर थोड़ा आउटर पड़ जाता है। और अभी देखिए नवरात्र आ रहा है, यहाँ देखिए भीड़ दिखेगी, लगातार दिखेगी। तो वीडियो के माध्यम से यही कहना था कि आपको बनारस के एक और मंदिर के दर्शन कराऊं जो स्वयं प्रकट। इनकी कहानी यही है कि भीमचंडी माँ को एक राक्षस से जब हुआ है भीमासुर, उनको मारी तो मारने के बाद उनका नाम भीमचंडी पड़ गया, तब से वो यहीं रह गए। फिर जैसे गुरुजी ने बताया इनके पूर्वज थे, एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, उनका पैर जम गया वहीं पे, पैर जम गया तो फिर वो बोले कि अब वो मतलब वहाँ से परिक्रमा कैसे करें। फिर माँ उनको दर्शन दी, बोली कि आपको यहीं रहना, मेरा सेवा करना है, क्योंकि हम यहीं रहेंगे, मेरा सेवा करने वाला कोई नहीं है। तब से माँ यहीं विराजमान है, एक बार आके जरूर दर्शन करिए। और यहाँ की मान्यता सबसे अधिक ये है ना कि आप जो भी मन में मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा, बस सही भाव होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि अगर गर्भवती महिला आ रही हैं तो ध्यान रखना कि माँ के सामने से नहीं जाना है, साइड से गेट बना है वहाँ से जाना है, नहीं तो आपका गर्भ मतलब खराब हो जाएगा, बच्चा खराब हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि रूस, अमेरिका तक के। हाँ, अगर जिसको पता है हम इस मंदिर में आए, हम उसके बारे में जान रहे हैं, हम दूसरे को लेके आएंगे वो भी जानेंगे। और बनारस में से बहुत सारे मंदिर हैं, एक दो नहीं कई मंदिर हैं जिसका अपना एक इतिहास है। बनारस मंदिरों के लिए जाना ही जाता है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई इसी तरह और किसी मंदिर में लेके चले। फिलहाल अभी के लिए आपको वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आपसे मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।